अठारहवीं सदी में जो दास्तान को हुआ करते थे और उन्होंने उस जमाने में जिस तरह की शायरी लिखी है, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आज उसको आपके सामने पेश करूँ। पहुँच भी जिन लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती है तो मुमकिन ना हो सके। तो तिलिस्मी होशिमा में चार चीज़ होती हैं बेसिकली जब हम दास्तान करते हैं, तो दास, रज़्म, बज़्म, इश्क और अय्यारी। तो इस वहाँ पे शायरों ने औरतों के सरापे पे शायरी की है। तो सरापा उन्होंने लिखा है, मुझे लगा कि मुझे आज सरापे से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि हम औरतों की बड़ी मसला है कि फेमिनिज्म कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो मैं माफी चाहूंगी आपको, मसला भी है और खूबसूरती भी है। हाँ, तो ये असल में इसमें ना कोई स्पेसिफिक शायरी नहीं है, इसमें बहुत सारे दास्तान हुए हैं। मोहम्मद हुसैन जहाँ हैं, मीर बाकर अली हैं, अम्बा प्रसाद रसा हैं, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि ये किसने लिखा है, मगर ये शायरी जो है 18वीं सदी की है। तो गई आंखों के नीचे बर्क एक कौंद, समंदे नाज ने डाला वही रौंद, कहा दिल ने यही देखी जो वो मांग, के है ये रात आधी कुछ दुआ मांग। हवासो होश सबके हो गए तार, हुए सब मांग चोटी में गिरफ्तार, बहम आंखों से आंखें लड़ गईं, खैर अजायब नर्गिस्तान की हुई सैर। नजर आया वो मुखड़ा सेब का सा, बंधा कुछ डोलवा आसेब का सा, नुकसानों में उसके फर बही थी, हुई जिससे खिजल अक्सर बही थी, कहूं उसकी जबी को किस तरह जान, कहूं उसकी जबी को किस तरह जान, के उसके उससे लाख हिस्सा चांद था मान, सुहाना था कुछ ऐसा रूप उसका, के साया चाहती थी धूप उसका, बरंगे गुल नजाकत में भरी थी, के बस जो बात थी उसकी परी थी।